तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। देखो, सिनेमा दुनिया में क्यों लाया गया था? एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों की वही बोरिंग थकी लाइफ में जान डालने के लिए। लेकिन कुछ दिमाग के साथी लोगों ने इसके रूट को पकड़ा, लिटिल बिल एफर्ट बिग रिजल्ट। यस, बिजनेस का ब्राइट धंधा इससे बेहतर दुनिया में कोई है ही नहीं। और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देकर ये लोग भर भर कर कमाई करते हैं। ना माने तो रिजल्ट आपके सामने है। इंडियन सिनेमा की बात करो तो KGF, बाहुबली, RRR, पठान और बाकी हॉलीवुड का तो आप सब जानते ही हैं। तो इन सब बातों का आज की वीडियो से क्या मतलब था? देखो, जवान जो एक मूवी जिसके लिए जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, इसके ट्रेलर के लिए, मूवी के लिए, बस फिर क्या। ये जो प्रीव्यू वाला शब्द देख रहे हो, ये भाई साहब सिर्फ अपना धंधा चमकाने का एक जरिया है बस। देखो, शाहरुख खान एक बेहतरीन एक्टर तो है ही, लेकिन इनसे बढ़कर बिजनेस आइडिया भी किसी को नहीं आते है। सब बात करेंगे, ट्रेलर की डेट अनाउंस हुई थी 10 जुलाई, लेकिन फिर ये प्रीव्यू कहाँ से आ गया? अब कब होगा ट्रेलर रिलीज? और मूवी रिलीज की डेट सेम ही रहेगी या नहीं? सालार को टक्कर दे पाएगी जवान या नहीं? सब जानेंगे बस कुछ ही देर में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी SRK के डाई हार्ट फैन हैं और जवान मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब, जवान का ट्रेलर नहीं, प्रीव्यू आएगा। अब ये प्रीव्यू क्या है? जी हाँ, इस एक वर्ड ने कल शाम से लेकर अभी तक पूरे भारत में खलबली मचा कर रख दी है। देखो, बहुत लंबे समय से रेड चिली अचानक नींद से जागते हैं और कहते हैं, फैंस लोगों, हम अभी जिंदा हैं और जवान के लिए हम सीरियस हैं, तुम चिंता काहे करते हो। दरअसल इन्हें वेट था सलार के टीजर का और ये अब बॉम्ब फोड़ रहे हैं। जवान के ट्रेलर का नाम का नहीं, प्रीव्यू के नाम का, मतलब अब असली गेम शुरू हो गया है अपनी फिल्म को हिट से, सुपर हिट से ब्लॉकबस्टर हिट बनाने के लिए। क्योंकि SRK नोच सितंबर इतना आसान नहीं रहेगा जवान के लिए। हालांकि 28 सितंबर को सालार रिलीज करी जाएगी, लंबा गैप है, लेकिन SRK चाहते हैं जैसी लंबी रेस पठान के टाइम देखने को मिली थी, 50 दिन तक सिनेमा घर में सिर्फ पठान का कब्जा था, वैसा ही कब्जा जवान का रहे। लेकिन सालार कहां पीछे हटने वाली है भाई साहब? नो डाउट प्रभास SRK को भरपूर टक्कर देगा। और अगर जवान के कॉन्टेंट में दम नहीं निकला तो 28 सितंबर के बाद भी सिनेमा घर में जवान को टिकने नहीं देगा। तो भैया, खतरा तो है जवान को, बस इन्हीं सब रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ऐसे ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं। क्योंकि सालार के टीजर को जो रेस्पॉन्स मिल रहा है और हर जगह सिर्फ सालार ही सालार दिख रहा है, मानो सितंबर सिर्फ सालार के नाम से जानी जा रही है। इसी टीजर की आग को ठंडा करने के लिए प्रीव्यू डाला जा रहा है, क्योंकि ट्रेलर अभी रिलीज कर दिया तो सितंबर आते आते लोग जवान को भूल जाएंगे और अगस्त में जब सालार का ट्रेलर आएगा तब तो पूरी इक्वेशन ही बदल जाएगी। दोस्तों, इट्स अ बिग प्रमोशनल गेम, आप बस कल का इंतजार करो और प्रीव्यू का मजा लो। फालतू दिमाग लगाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, ऐसी कोई भी अपडेट आती है हम आपके पास सरल भाषा में पहुँचा देंगे। दोस्तों, यस, जवान का ट्रेलर अभी नहीं आ रहा है, कल यानी 10 जुलाई को प्रीव्यू आ रहा है। क्या है ये? पहली बार ये टर्म सिनेमा इंडस्ट्री में सुना जा रहा है। देखो, टीजर से थोड़ा ज़्यादा और ट्रेलर से थोड़ा कम मिलेगा, बस यही है प्रीव्यू, अगर एक लाइन में बताऊं तो क्या जवान का मोटा मोटा पार्ट भी रिवील कर देंगे ये इसमें? बिल्कुल नहीं, सिर्फ कुछ एक पार्ट दिखाएंगे ताकि ट्रेलर के लिए जनता और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए। अलग से प्रमोशनल सीन्स डाले जाएंगे क्या? मे भी डाल सकते हैं, लेकिन चांसेस कम ही है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्टेंट का यूज मूवी को बूस्ट करेगा। ट्रेलर क्यों नहीं रिलीज करा गया, प्रीव्यू क्यों, इसका भी जवाब है। देखो, मूवी का हाइप करना है, बहुत ज़्यादा हाइप, टाइम टाइम पर मूवी से रिलेटेड कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। जनता के माइंड में लगातार जवान दस्तक देता रहेगा और इससे लॉन्ग गैप नहीं मिलेगा। हो सकता है प्रीव्यू के कुछ दिन बाद जवान का कोई सॉन्ग निकाल दिया जाए और फिर अगस्त में आपको ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं SRK थिएटर में लंबा टिकने के लिए। तो कहने का मतलब है, अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं, बाकी जनता के हाथ में है, उठाती है गिराती है सब जनता तय करेगी। क्योंकि पठान को भी जनता ने ही उठाया था, जीरो प्रमोशन था और सेम स्ट्रेटजी इस बार भी जवान के साथ भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, 250 करोड़ के टोटल खर्चे पर बनने वाली फिल्म जवान अतली कुमार के डायरेक्शन में बनाई जा रही है, जो एक्शन फिल्म के मामले में इंडिया के जाने माने डायरेक्टर में काउंट करे जाते हैं। बाकी कास्ट की बात करूं तो कास्ट भी अमेजिंग है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं तो साउथ सुपरस्टार थालापति विजय का कैमियो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि ह्यूज मोमेंट होगा थिएटर में। जी दोस्तों, SRK आपको मेन लीड में देखेंगे, जिनका भरपूर साथ नयनतारा जी दे रही हैं। सपोर्टिंग में आपको विजय सेतुपति, प्रियमणि जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। नीचे कमेंट बॉक्स पर फटाफट बताओ कि ट्रेलर के लिए आप लोग कितना बेसब्र हैं। दूसरा, ये प्रीव्यू का स्ट्रेटजी आप लोगों को कितना हिट कर रहा है और जवान 1000 करोड़ का बिजनेस कर भी पाएगी या नहीं? दूसरा, मूवी हिट जाएगी या फ्लॉप? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।